आजकल अपने समाज में विवाह कार्य जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त दिखावा को रूप ले तो जा रहे है। आप लोग देखोगा अनाप शनाप पीछा को खर्चो, और अगर सही ठंडे दिमाग से अगर आप बैठ कर देखा हिसाब लगावा तो 75 से 80% जो खर्चो है वो फजूल खर्चो है, या यूं कहूँ वो खर्चो न भी करा तो चले है। तिलक कवा हाँ, तिलक का लाड्डू बाटा जावे है, या कहूँ मिठाई बाटा हाँ, वह मिठाई पुराना समय से अगर बात करा तो सिर्फ परिवार में केंद्रित रहा करती, अब उमें इतनो दिखावो है कि एक घर में मिठाई जो जावे है कम से कम 1000 रुपया। भैयाई ब्याह को जो कार्ड बनावा हाँ वो कार्ड 500, 700, 1000 उनको कोई सीमा को नहीं। और एक दूसरी चीज़, बैचलर्स पार्टी एक नयो चलन आगे आयो है, या यूं कहूँ मारवाड़ी लड़का लड़कियाँ में युवा में एक अयाँ को चार्म देखने मिला है कि बैचलर पार्टी बोलने के बाद सारे विवाह की सबसे अहम पार्टी के रूप में लेवा है। और उन पार्टी में अगर आप देखांगा तो मदिरा को सेवन खुले रूप से चला है, या यूं कहूँ पश्चिमी सभ्यता को प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है। भैयाई अगर आप बात करा तो बारात की, अगर बात करा बारात में जो लड़का लड़की या सभी कोई खुले रूप से मदिरा सेवन करे है और नाच गानों करे है, कि एक बार आपने सोचनो नहीं चाहिए आपा जो रास्ते आगे बढ़ रहे हैं कि यो सही करता जा रहे हैं, और आपा जो संस्कार अपना था वे तो भूलता जा रहे हैं, और ये दूसरा सभ्यता का संस्कार जो अच्छा संस्कार कोनी कहो जा सके, कोई भी दूसरी सभ्यता दूसरे समाज का संस्कार अच्छा अगर है उन्हें लेनो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई संस्कार जो लेने से आपने विकृति फैला है बने लेनो उचित शायद कोनी। सजन गोट में एक एक थाली 5-5 हज़ार रुपया की, और उनमें से जो बैठ के खानों खावे है बस शायद 5% लोग भी पूरा खानों को नहीं खावे है, वो एक तरीके से कहूँ तो फजूल ही जावे है बेपिशा दियोड़ा। इन सब बातों पर अब आपा अगर गौर नहीं करांगा तो बहुत देर हो जाएगी। अपने ही समाज का कई भाई ऐसा है जो कमाई नहीं होने के कारण से, या यूं कहूँ धन संचय नहीं होने के कारण से आपके घर की बेटियां ने या बेटा ने ब्याह को नहीं पावे। दूसरी तरफ जो संपन्न है वो फजूल खर्ची इतनी कर रही है जी की कोई चर्चा कर सका वह कम है। और मैं यह भी देखियो हूँ 80% से ज़्यादा लोग जो शरीक हुए है वे लोग कुछ न कुछ आपने चाहे कितनों भी खर्च कर लियो नुक्स निकालने में तैयार रहे हैं। कुछ आपने पहल करनो चाहिए, मेरी आप सब से हाथ जोड़ कर के विनती है, या यूं कहूँ अपील है कि ये जो फजूल खर्ची में आप आगे बढ़ता जा रहे हैं इन्हें रोकने के लिए सोचा कम से कम शुरुआत करा, और आपने खुद की शुरुआत ही परिवर्तन लिया सका है। छोटी छोटी चीज़ा सुधार कर सका हाँ, जैसे कार्ड में जो फजूल खर्ची करा हाँ उन्हें कम कर लेवा, या मिलनी के नाम पर जो 4 रुपया देने को प्रचलन आयो थो कागज़ के रुपया को फजूल खर्ची के कारण ही आयो थो, लेकिन अब वह 4 कागज़ का रुपया की जगह सिक्का सोने का सिक्का या अन्य कोई तरीका, ये सब कोशिश करके कृपया इन्हें कम करा। और जो मदिरा पी करके अपने आप ने होश में लाने का जो प्रयास करा उस अच्छो है बिना मदिरा पिए ही होश में आने को प्रयास करा, और जो बचत आपा कर सका हाँ उन काम में कम करके वह बचत अपना ही बेटी बहू या जवाई के भविष्य के लिए संचय करा
तो शायद एक उदाहरण भी बनेगो और अपना ही संतान आगे जाकर आपन याद करेगा कि मेरा माँ बाप मेरे लिए कुछ संचय भी करके गया। ए तरफ फिर से एक बार मैं आप सब से अपील करूँ हूँ कि ज़रूर से सोचा और जठ तक संभव है उन्हें कम करने को प्रयास करा और धन जितनो सामना अपन लोगों ने दिखावा हाँ जो तरीके को दिखाओ करा हाँ उसे लोगों की नज़र में तो चढ़ा ही हाँ और हो सके अपना आपने कुछ देर की खुशी महसूस होती हो है। लेकिन बाद में बाही खुशी कई तरीके का टेंशन लेकर के आवे है। ये सब तरफ आप लोग सभी कोई जरूर से विचार करोगा। या कहते हुए अब एक और बात आप लोगों के सामने रखने जा रहे हूँ। मृत्यु जन्म मृत्यु दोनों शाश्वत सत्य है। लेकिन आजकल आप यो भी देखा हाँ कि कोई अगर अपने घर में अपनों कहीं की मृत्यु हो जावे है उनके बाद का जो संस्कार हुआ है उनमें ब्राह्मण भोजन के नाम पर 100 ब्राह्मण 121 ब्राह्मण या 151 ब्राह्मण या अन्य और कई तरीके से खर्चा आपा करा हाँ अपने पितरी ने जरूर अर्पण करो। एम कोई दो राय को नहीं लेकिन जो विधि सम्मत है उतनों ही करा। जितनों मैं जानू हूँ या जितनी मेरा जानकारी है 12 ब्राह्मण विधिपूर्वक जिमाना और उन्होंने आपकी क्षमता के हिसाब से कुछ देणो यो शास्त्रोक्त सम्मत है। बाकी जो भी आपा करा हाँ वो शायद दिखाओ है। हो सके आप लोग मेरी बातों से सहमत नहीं भी हो लेकिन एक बार गौर जरूर करियो और बई जो फजूल खर्च से जो बचावांगा बेपीसा से ही अगर सामाजिक सेवा का हजारों कार्य है आप कर सका हाँ कुछ जो भूखा है उन्हें को पेट भर सका हाँ या अन्य ऐसा बहुत लोग है जो पढ़ाई नहीं कर पाने के कारण वंचित है एक समय को भोजन नहीं मिलने के कारण से दुखी है उन्हें की सेवा करा। इन्हें इन अर्थ में मत लियो कि पशुपतिनाथ में जो अपनों परिवार के संयोजन में निशुल्क भोजन सेवा चल रही है मैं उनको प्रचार बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप कठे भी चाहो सेवा करो कोशिश लेकिन या करो कि फजूल खर्ची आप जो कर रहे हैं उन्हें रोका ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी भी अपनों ही अनुसरण कर सके और आगे का दिन सहज हो सके। इतनों कहते हुए